इस वीडियो में मैं आपको वो दो पावरफुल तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप टूथपिक या फिर मैच स्टिक को थर्माकोल में अटका सकते हो। वो दो सही तरीके जो कि सच में पावरफुल है और सीखने में भी काफी ज्यादा इजी है, या आप भी आराम से सीख सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। सबसे पहला तरीका है उसमें अपने इंडेक्स फिंगर का कमाल है। टूथपिक को कुछ इस तरीके से इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में होल्ड करके रखना है और टूथपिक को कुछ इस तरीके से थ्रो करते हुए प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ रेशियो और प्रोपोर्शन की बात नहीं करूंगा, नॉर्मली आपको सेंटर से थोड़ा सा साइड में लेके होल्ड करना है और उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस चालू करना है। मैं भी प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। ये बिल्कुल कैरम की तरह है, जितनी पावरफुल तरीके से आप इंडेक्स फिंगर को फ्लिक करोगे उतनी ही तेज स्पीड रहेगी टूथपिक की। शुरू शुरू में तो टूथपिक को होल्ड करने में ही दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से होल्ड करना है और किस तरीके से थ्रो करना है। इतनी सारी मेहनत और मशक्कत करने के बाद भाई फाइनली एक टूथपिक भाई कार्डबोर्ड मेरा मतलब थर्माकोल में अटक गई और मैं भाई बहुत खुश था। अगर इसमें हाथ की फोर्स भी ऐड कर दे तो स्पीड डबल हो जाएगी। तो भाई इस सक्सेस के लिए एक लाइक तो बनता ही है, अब भी लाइक का बटन दबा दो। अब मैं बताने वाला हूँ दूसरा तरीका जो सीखने में, समझने में और प्रैक्टिस करने में भी काफी ज्यादा इजी है। बेसिकली इस तरीके में टूथपिक को कुछ इस तरीके से होल्ड कर सकते हो आप, या फिर इस तरीके से होल्ड कर सकते हो और ऐसा मूवमेंट करके आपको थ्रो करना है। बेसिकली इसमें अगर आप हाथ की मूवमेंट भी ऐड कर दोगे तो पावर इंटू 100 हो जाएगी। मजाक की बात साइड में इस तरीके को भी हम सीखना शुरू करते हैं। पहले तो डायरेक्शन ही समझ नहीं आती, पर जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता रहा वैसे वैसे टारगेट पे और एक्यूरेट और फास्ट लगने लगा। टारगेट पे तो लगने लगा लेकिन टूथपिक अटकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन भाई लगातार 20 मिनट की प्रैक्टिस करने के बाद टूथपिक अटक गया। और भाई फिर मैं रैंडमली ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था और देखो भाई इस तरह से हमने सीखा वो दो तरीके जिससे कि आप टूथपिक को थर्माकोल पे अटका सकते हो। अब मैं बताने वाला हूं कि मैच स्टिक यानी कि माचिस की लकड़ी को आप थर्माकोल पे कैसे अटका सकते हैं। टूथपिक एक तरफ से नुकीली होती है, इसके लिए सबसे पहले अपने को शार्पनर की ब्लेड या फिर थर्माकोल कटर की मदद से माचिस की तिल्ली को कुछ इस तरीके से नुकीली करना पड़ेगा। हम इससे भी टूथपिक की ही तरह प्रैक्टिस करेंगे। ये भी चीज रियली काम करती है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। काफी मजेदार है यार इसको ट्राई करना। तो जाओ अपनी जायदाद में से 1 रुपया इसमें इन्वेस्ट करो और छल्ली कर दो इसका सीना। मजाक से हटके यार ऐसी ही कमाल की कूल स्किल्स की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो किस स्किल में बनाऊं।